आज मैं गोसाईगंज कस्बा में हूँ, जहाँ पर सार्वजनिक शौचालय 5 साल पुराना बना हुआ है, लेकिन इसकी स्थिति इतना गड़बड़ है कि यहाँ पर प्रशासनिक लोग ना तो कोई ध्यान दे रहा है, ना कोई साफ सफाई रख रखाव के लिए आता है, ना कोई जब इस बात के पहले लिया हम लोगों से बात किए तो लोगों ने कहा कि जो है इससे डेंगू मलेरिया तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक लोग वहाँ पर देखने के लिए नहीं आते हैं। जबकि इसकी हालत देखिए किस तरह से बदहाल है, यहाँ पर नाली भटी पड़ी है, कचरा सारा ऊपर से बह के जाता है और इसके लिए प्रशासनिक लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैम, जैसे आप यहाँ पर दवा लेने आई हैं और बगल में एक सार्वजनिक शौचालय बना है, तो क्या उसमें उपयोग के लिए आप गई हैं? गए तो नहीं है, लेकिन साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो क्या लगता है कि आप लोग को इस तरह से काफ़ी समस्याएं हो रही हैं? समस्या तो बहुत है, सफाई तो होनी चाहिए। तो कहीं आप लोगों ने किसके लिए कहा नहीं किसी से? नहीं, ऐसा फिलहाल कभी हुआ नहीं कि हम लोग यहाँ, हम लोग घर पास में हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी जैसे आप दवा लेने आई हैं, यहाँ पर शौचालय चलने की सुविधा है? अगर ज़रूरत कब वो पड़ा था तो कहाँ जा रही आप सब? हाँ, वहीं जाए कहा, बाहर है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति बहुत ख़राब है, गंदगी से पूरा भरा पता है, लोग उसमें जाना पसंद नहीं करते, साफ सफाई नहीं हो रही है, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, वहाँ कोई कर्मचारी नहीं है। अगर कोई कर्मचारी रख दिया जाए, साफ सफाई हुआ होता तो हम जाते, लेकिन वो पूरी तरह से गंदगी से भरा है। एक से लोग आते हैं तो उनको बड़ी असुविधा होती है, इससे कोई फायदा नहीं है। लोग अपने तरीके से मार्केट में आते हैं, चले जाते हैं। सर, कभी कैसे, जैसे कि अगर आप आए हो, आपको ज़रूरत पड़ी हो, तो आप कहाँ जाते हैं? मैं बगल में हमारा घर है, घर चला जाता हूँ जब यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। क्या इसके लिए कभी जैसे जो विभाग के लोग हैं इनको सूचित किया गया? कई बार तो मीडिया में भी, सारे लोग जानते हैं, ऊपर के अधिकारी जानते हैं, अंधे छोरों हैं, लेकिन ये स्वच्छता भारत मिशन के नाम पर केवल लूट हो रहा है, काम कुछ नहीं हुआ। ये सब कितने साल पहले बना हुआ था? लगभग 5 साल पहले बना है। तो जैसे भी ये गांव से आप हैं और कभी आप यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना है तो यूज किया है आपने? उसका हालत इतना ख़राब है जब से वो बना है उसके बाद से, कि उसमें जाने का कोई इच्छा नहीं करता, जो जो जाएगा बीमारी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि जो ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था, कितना कितने हद तक सही हुए या? क्योंकि लोगों की शिकायत है कि वहाँ पर अभी भी मतलब साफ सफाई नहीं हो रहा है। अभी हमको कोई लिखी सूचना यहाँ नहीं मिला है, ना कोई मौके बताया हुआ, ना कोई सूचना मिलेगा, तो उसको जल्द सर निस्तारण करा दें। सर, जैसे एक पुराना मतलब शौचालय था तो दूसरा बनने का क्या वजह रहा होगा? नहीं, वो हमने तो नहीं जानकारी थी, मतलब पहले तो हम अपना प्लान किए थे, रूलर अपना प्लान किया था और लास्ट में दोनों बम बन गए। कितने साल पहले वो बना हुआ था? हमारा तो बना हुआ है लगभग 18-19 का। सर, इसका लागत क्या आई होगी? वो एक्चुअल तो नहीं, लगभग 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 4-5 लाख का। सर, अभी जैसे कि इसके रख रखाव के लिए जो है कोई कर्मचारी उचित समय से रहता नहीं है, तो लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो कैसे क्या कर, मतलब व्यवस्थाएँ क्या क्या हैं उसमें? स्टाफ अपने पास कम है, फिर भी मतलब साफ सफाई करता है, कोई शिकायत नहीं मिली। सर, जैसे अभी ये जो है सफाई कर्मी वहाँ पर मौजूद टाइम पे नहीं रहता है, तो क्या इसके लिए जो है आपने कोई ठोस कदम उठाया है इसके लिए? मैं भी जानकारी नहीं मिली है, हम उसको जाँच करवाएंगे कि मतलब वो क्यों नहीं रहता। बजट में सब कुछ नहीं आता है कि अपने निकाय साधन से उसको वहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि बजट कम आता है तो इसकी वजह से सफाई कर्मी नहीं रहता है क्या? ये नहीं, कोई मनवाना ना। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।